नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। लगातार कमजोर होते मॉनसून के कारण बारिश घट रही है। आज देश भर के अधिकांश शहरों में मौसम फिलहाल सूखा रहा। हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांकुरा, भागलपुर, शिमला और आसपास के कुछ शहरों में हल्की वर्षा देखने को मिली है। हालांकि इन भागों में रात में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से मॉनसून जल्द ही अपनी वापसी की राह पर लौट सकता है। ये वो इलाके हैं जहां मॉनसून आता सबसे आखिर में है लेकिन जाता सबसे पहले है। इस बार मॉनसून सीजन में पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 23% कम 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सौराष्ट्र और कच्छ में भी सामान्य से 30% कम 313 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कल के मौसम की अगर बात करें तो सेंट्रल इंडिया के पश्चिमी भागों यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, राजकोट, अहमदाबाद, नासिक, पुणे, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और आसपास के भागों में कल भी मौसम सूखा रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र की नॉर्थ कोस्टल सिटीज, खासतौर पर मुंबई, ठाणे और आसपास के कुछ भागों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। जबकि ईस्ट एमपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ओडिशा के शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी झारखंड, ईस्ट यूपी के तराई क्षेत्रों, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और एक दो जगहों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं। मॉनसून सीजन में बारिश का मुख्य कारण होती है मॉनसून ट्रफ, जो इस समय हिमालय के तराई क्षेत्रों में है। साथ ही ईस्ट जम्मू कश्मीर पर एक WD भी बना हुआ है। इन सिस्टमों के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो जगहों पर मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है, जिसके चलते भूस्खलन होने का भी डर रहेगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।